क्या 31 जनवरी से पहले नीतीश बाबू बीजेपी में शामिल हो जाएंगे? कुमार ही तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी बताते हैं। नीतीश कुमार का दोगलापन है, नीतीश कुमार का कोई राजनीतिक कैरेक्टर और विचारधारा नहीं है। पड़ता है तो सिर्फ सत्ता से, फर्क पड़ता है तो सिर्फ सीट से। भारत एट नाइन में आपका बहुत स्वागत है, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। क्या इंडिया गठबंधन धीरे धीरे करके खत्म होने वाला है? क्योंकि आज की तस्वीर तो कुछ ऐसा ही दिखा रही है। क्या 31 जनवरी से पहले नीतीश बाबू बीजेपी में शामिल हो जाएंगे? ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से भी हरी झंडी मिलती हुई कहीं ना कहीं नीतीश बाबू को नजर आ रही है, लेकिन बशर्ते बीजेपी की यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस है। बीजेपी कहती है कि मुख्यमंत्री तो हमारा होगा, अगर जेडीयू को चाहिए तो जेडीयू यहाँ पर डिप्टी सीएम का पद ले सकता है। अब ये शुरुआत हलचल की कहां से होती है? हालांकि कयास तो पहले से ही लगाए जा रहे थे, जब संयोजक बनने से नीतीश बाबू ने इनकार कर दिया था, उसके बाद से ही कहीं ना कहीं सॉफ्ट तरीके से नीतीश बाबू जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए नजर आए। अभी दो दिन पहले ही उन्होंने तारीफ की, बाकायदा एक ट्वीट भी किया था। अब शुरुआत आज से कर लेते हैं। आज एक ट्वीट आया और ट्वीट के बाद बिहार की राजनीति में कहीं ना कहीं भूचाल सा आ गया। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने एक्स अकाउंट पर एक के बाद एक तीन ऐसे पोस्ट किए जिसने बिहार की सियासत में हंगामा खड़ा कर दिया। मामला इतना बढ़ गया कि खुद सीएम नीतीश कुमार ने रोहिणी के पोस्ट पर जानकारी मंगवा ली। रोहिणी द्वारा ये पोस्ट ऐसे समय में किया गया जब आरजेडी और जेडीयू के बीच खटपट की खबरें सामने आ रही हैं, क्योंकि इससे पहले बैठक हुई थी, बैठक में तेजस्वी यादव जो है वो चुप बैठे रहे थे, ऐसी जानकारी मिल रही है। मामले ने तूल पकड़ा तो रोहिणी ने चुपचाप बिना सफाई दिए ही अपने पोस्ट डिलीट कर दिए। रोहिणी आचार्य सिंगापुर में रहती हैं और कई मौके पर वो अपने परिवार का खुलकर बचाव भी करती रही हैं। दरअसल गुरुवार को जैसे ही उन्होंने पोस्ट किया तो ये बातें और पुख्ता होती चली गई कि आरजेडी और जेडीयू के बीच कुछ भी ठीक नहीं है। रोहिणी का पोस्ट वायरल हो गया और तमाम तरह की अटकलें लगने लगी, जिसके बाद उन्होंने सारी पोस्ट हटा ली। लेकिन कहते हैं ना कि जब एक बार तरकश से तीर निकल जाए तो वापस नहीं आता, और ऐसा ही यहां देखने के लिए मिल रहा है। उधर बीजेपी खेमे से भी खबरें आने लगी। बीजेपी सूत्रों से कहा गया कि नीतीश उन्हें तभी मंजूर होंगे जब वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ सकते हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि अंदर खान नीतीश को लेकर कल 3 घंटे तक बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे और अमित शाह भी थे। खबर यहां तक आ गई कि नीतीश रोहिणी के ट्वीट के बाद कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं और सियासी हलचल देखी जा सकती है, क्योंकि पटना तमाम जो बड़े नेता हैं वो बुलाए गए हैं। उसके बाद सम्राट चौधरी को भी दिल्ली बुलाया गया है और अश्विनी चौबे भी दिल्ली आ रहे हैं। ऐसी तस्वीर नजर आई और दिल्ली में बैठकर कुछ ना कुछ खिचड़ी तो पक सकती है और विधानसभा भंग करने की भी सिफारिश हो सकती है। रोहिणी ने क्या लिखा था, सबसे पहले वो देख लेते हैं। रोहिणी ने एक्स पर 3 पोस्ट किए और कहा, समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा है, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है। अपनी अगली पोस्ट में रोहिणी लिखती है, खींच जताए क्या होगा जब हुआ ना कोई अपना, योग विधि का विधान कौन टाले जब खुद की नियत में ही हो खोट। इसके अलावा अपनी पहली पोस्ट में रोहिणी ने लिखा, अक्सर कुछ लोग नहीं देख पाते हैं अपनी कमियां, लेकिन किसी दूसरे पे कीचड़ उछालने को करते रहते हैं बदतमीजियां। अब इसे क्या समझा जाए? इससे तो यही समझा जाएगा कि वो सीधे तौर पर नीतीश बाबू को टारगेट कर रही हैं, जेडीयू को टारगेट कर रही हैं। रोहिणी की इस पोस्ट को अप्रत्यक्ष रूप से सीएम नीतीश कुमार पर निशाने के रूप में भी देखा जा रहा है। सीधे तौर पर नहीं कहा, लेकिन देखा इसे इसी तरीके से जा रहा है। वही हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के मुखिया जीतन राम मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार भी जानते हैं कि पीएम मोदी के साथ ही बिहार का विकास हो सकता है, अगर वो साथ आते हैं तो बढ़िया होगा। नीतीश कुमार पर लालू यादव ने तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए दबाव बनाया है, नीतीश इस शर्त को नहीं मानेंगे। अब ये तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, तस्वीर तो ये भी है कि राबड़ी आवास पर भी बड़ी बैठक हुई है, बैठकें 3 जगह जारी हैं, एक पटना में, दूसरी राबड़ी आवास पर और तीसरी दिल्ली में भी बड़ी बैठक होने जा रही है और इस बैठक में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं चुनाव से पहले पहले। इससे पहले नीतीश कुमार पर हमला करते हुए बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार जिनके साथ रहते हैं उनके खिलाफ ही षड्यंत्र करते रहते हैं,
नीतीश कुमार केवल अपने लिए जीते हैं। नीतीश कुमार परिवारवाद को मुद्दा बनाते हैं मगर सब कुछ जानते हुए भी वही काम करते हैं। नीतीश कुमार ही तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी बताते हैं। नीतीश कुमार का दोगलापन है। नीतीश कुमार का कोई राजनीतिक कैरेक्टर और विचारधारा नहीं है। लोग नीतीश और लालू मुक्त बिहार, बिहार के लोग यही चाहते हैं। अब सवाल ये है कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। दरअसल यहां पर भारत रत्न बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को मिलने की बात यहां पर केंद्र सरकार की तरफ से कही गई। अब केंद्र सरकार को आखिर क्यों 35 सालों बाद याद आई, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि बिहार में सियासी पलट फेर करना था और यही हुआ। जैसे ही ये बात निकलकर सामने आई तो नीतीश बाबू को बहुत अच्छा लगा। नीतीश बाबू ने पीएम की तारीफ भी कर दी और नीतीश कुमार ये कहते हुए नजर आए कि कुछ लोग तो परिवार को ही आगे बढ़ाते हैं। अब सोचिए यहां से सियासत जो है वो पलटनी शुरू हो गई। और दूसरी तरफ ये भी जानकारी मिल रही है कि नीतीश कुमार जो है वो राहुल गांधी की यात्रा में शामिल नहीं हो रहे हैं। तो यहां से भी वो गठबंधन तोड़ रहे हैं, महागठबंधन भी बिखर रहा है। आरजेडी जेडीयू में कुछ भी ठीक नजर नहीं आ रहा है। तो वहीं बीजेपी में जाने की अटकलें भी तेज हो गई हैं। बिहार की सियासत में उथल पुथल देखी जा रही है। नीतीश कुमार के आरजेडी से नाता तोड़ने की अटकलों के बीच लालू खेमे ने 122 के जादुई आंकड़े तक पहुंचने के लिए 8 और विधायकों को साधने की कवायद भी शुरू कर दी। जी हाँ, 243 सीटों वाली विधानसभा में सीटों का गणित कुछ इस तरह है। राजद प्लस कांग्रेस प्लस लेफ्ट की सीटों को मिलाया जाए तो यहाँ पर 114 का नंबर बनता है। मतलब साफ है बहुमत के लिए 8 विधायकों की कमी है। सूत्रों की माने तो लालू खेमा इन्हीं 8 विधायकों को साधने में जुट गया है। यानी कि यहाँ पर आरजेडी खुद को बचा रही है और जेडीयू खुद को बचाती हुई नजर आ रही है। सत्ता हासिल करने के लिए सीटों के समीकरण की बात करें, जीतन राम मांझी की पार्टी हम के 4 विधायक है, AIMIM का 1, एक निर्दलीय विधायक है। अगर लालू इन्हें भी साथ लेते हैं तो नंबर बनता है 120 का। अभी भी लालू को 2 विधायक और चाहिए होंगे। इस सियासी उठापटक के बीच जेडीयू MLC खालिद अनवर नीतीश की निराशा की अफवाहों का खंडन कर दिया। साथ ही दावा किया कि नीतीश के नेतृत्व में राज्य सरकार अच्छा काम कर रही है। अब देखिए यहाँ जो बातें अभी 7 महीने से हो रही थी कि हम गठबंधन हैं, हम एक हैं, हम देश के लिए काम करेंगे, हम देश के लिए आगे अपने कदम बढ़ा रहे हैं, वो कदम धीरे धीरे पीछे होते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश बाबू वही हैं जिन्होंने इस गठबंधन की नींव रखी थी और इस गठबंधन के जरिए कहीं ना कहीं बीजेपी को वो पूरी तरह से नेस्तनाबूद करना चाहते थे, लेकिन ऐसा होता हुआ तो नजर नहीं आ रहा है। नीतीश बाबू हैं जो सबसे पहले कदम इस गठबंधन से खींचते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश बाबू ही हैं जो कभी इधर तो कभी उधर पलटू राम बन जाते हैं, क्योंकि सबको चाहिए सिर्फ और सिर्फ सत्ता, सीट की लालसा ऐसी कि किसी भी तरह से हम सीट को बचा ले, बस चाहे भले हमें कुछ भी करना पड़े। साम दाम दंड भेद कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने किसको क्या बयानबाजी की है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमने विधानसभा के अंदर खड़े होकर क्या कहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता हम किसके साथ हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता हम किसके साथ छोड़कर किसके साथ वापस आए हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो सिर्फ सत्ता से, फर्क पड़ता है तो सिर्फ सीट से। और ऐसी तस्वीर आज कहीं ना कहीं क्लियर होती हुई नजर आ रही है। इधर बीजेपी जो कह रही है, बीजेपी के कहना है कि टर्म्स एंड कंडीशंस हमने रख दिए, हमें विश्वास तो नहीं है नीतीश बाबू पर, लेकिन अगर नीतीश वाकई बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं, तो अगर नीतीश आना चाहते हैं तो आ जाएं, लेकिन हम उन्हें CM वाला पद नहीं दे सकते। अब नीतीश बाबू क्या CM से कम मानेंगे, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। क्या नीतीश बाबू बीजेपी के आगे नतमस्तक हो जाएंगे, ये भी बहुत बड़ा सवाल है, या फिर नीतीश गठबंधन में रहकर ही आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर गठबंधन में रहना है तो आरजेडी से भी सुलह करनी पड़ेगी, क्योंकि आरजेडी से सुलह नहीं करते तो भी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। फिर तो महागठबंधन बिहार में खत्म, फिर इंडिया गठबंधन भी कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस से भी आप दूरी बना रहे हैं, इधर आप लालू प्रसाद यादव से भी दूरी बना रहे हैं, इधर आप बीजेपी के क्लोज होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने तो यहाँ पे पूरा बैरियर लगा दिया है कि ये पूरा घेरा है, अगर आप इसको तोड़कर अंदर आना चाहते हैं तो इस घेरे के नियम कानून हैं, आपको उस नियम कानून को मानना पड़ेगा। तो नीतीश बाबू अब हो गए हैं शून्य और प्रश्न चिन्ह बड़ा वाला नीतीश बाबू के नाम के आगे कि अब क्या करेंगे, ना तो हम इधर के रह पाएंगे ना तो हम उधर के रह पाएंगे। अब नीतीश बाबू हमेशा से ही मुख्यमंत्री बने रहे हैं, भले किसी के साथ भी वो गए हो,
मुख्यमंत्री की सीट उन्हीं की रही है, लेकिन अब बीजेपी कहते ना कि जो दूसरे जलता है तो वो छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो कुछ ऐसा ही अभी बीजेपी कर रही है कि नीतीश बाबू पर हम पूरी तरह से आग बंद करके विश्वास नहीं कर सकते। अगर उन्हें बीजेपी के साथ हाथ मिलाना है तो कुर्सी छोड़ दीजिए सीएम की, उसके बाद आप ठीक है, जनता के लिए काम करना है ना, बिहार के विकास के लिए काम करना है तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको डिप्टी सीएम का पद देंगे, आप करिए। अभी हलचल बहुत तेज है, दिल्ली में भी हलचल तेज है, क्या कुछ होगा इसका इंतजार है। उम्मीद है कि कल तक कोई बड़ी खबर सामने आ सकती है, बड़ा फैसला नीतीश ले सकते हैं। तो भारत एट नाइन में आज के लिए इतना ही, कल फिर लौटेंगे, किसी और मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है बिहार का सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा। धन्यवाद।